तो मेरे डियर साथियों को इलेक्ट्रॉन भरने में प्रॉब्लम है, मेरे डियर साथियों को प्रॉब्लम है कि सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता, तो मेरे भाई आप सारी टेंशन जो है ना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के बाद आपको इलेक्ट्रॉन से संबंधित, इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित हर एक चीज आपको समझ आने वाली है, हर एक चीज आपके दिमाग में बैठने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा, जल्द ही आपको समय बर्बाद नहीं करना है। और हाँ, अकेला बस इतना कर दीजिए, आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने और ज्यादा फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा भाई लोग को, दोस्त लोग को अपने साथ में जोड़िए। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा आप बाहू का नियम। जी हाँ, आप बाहू का नियम, यही हमें इलेक्ट्रॉन भरना सिखाता है। अगर ये नियम नहीं पता तो इलेक्ट्रॉन भरना हम नहीं सीख सकते, कुछ भी कर लो। तो ये नियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो हमें पता है यार, वैसे भी हम आपको बताते, कोई भी चीज हम करवाते हैं तो उससे पहले उसका बेसिक समझाते हैं, क्योंकि ताकि आपके दिमाग में पूरे तरीके से वो चीज बैठ जाए। तो हल्का सा बेसिक, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। तो आपको बेसिकली यार पता है कि कक्षा कितनी होती है, 7। आपको नॉलेज है कक्षाएं कितनी है, 7 है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कक्षा के अंदर सर उपकोष होता है। आपको अभी तक बताया है, आपको अभी तक सिखाया है कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में होता है। किसमें होता है? कक्षा में। लेकिन वास्तविकता तो भाई कुछ और है। वास्तविकता क्या है? तो मेरे भाई वास्तविकता ये है कि कक्षा की संख्या 7 है और कक्षा के अंदर प्यारे साथियों होते हैं उपकोष। कक्षा के अंदर प्यारे साथियों क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। और इन उपकोषों की संख्या प्यारे साथियों कितनी है? 4 है। कक्षा के अंदर कौन होता है? उपकोष। उपकोष की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से उपकोष सर? पहला है आपका एस उपकोष, दूसरा है आपका पी उपकोष, तीसरा है आपका डी उपकोष और चौथा है आपका एफ उपकोष। तो उपकोष कितने हैं? 4। उपकोष कहाँ होते हैं? कक्षा में होते हैं। ठीक है सर, उपकोष 4 है तो उपकोष के अंदर भी कुछ होता है। हाँ, उपकोष के अंदर भी कुछ होता है। तो उपकोष के अंदर होता है मेरे प्यारे साथियों कक्षक। क्या होता है? कक्षक। जैसे एस उपकोष है, इसके अंदर कक्षक है। पी उपकोष के अंदर भी कक्षक, डी उपकोष के अंदर भी कक्षक, एफ उपकोष के अंदर भी कक्षक। तो उपकोष के अंदर प्यारे साथियों क्या होता है? कक्षक होता है। और जो कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। कक्षक में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखना। तो कक्षा के अंदर उपकोष और उपकोष के अंदर कक्षक और कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमने देखा कि भाई अलग अलग जो उपकोष है उसके लिए कक्षकों की संख्या अलग अलग है। जैसे हमने देखा एस उपकोष है, तो एस उपकोष के साथ देखो एक ही डब्बा बना। एस उपकोष के पास हमने एक डब्बा बनाया, पी के पास देखो हमने 3 डब्बे बनाए, 1, 2, 3। डी के साथ देखो हमने 1, 2, 3, 4, 5 डब्बे बनाए, ठीक है। एफ के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डब्बे बनाए। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है सर, एस उपकोष जो है इसके अंदर कक्षक एक ही होता है। एस के पास कितना कक्षक होता है बेटा? एक ही कक्षक होता है। पी के पास कितने कक्षक होते हैं? 3। तो पी के पास कितने कक्षक होते हैं? 3 होते हैं। डी के पास कितने कक्षक होते हैं? 5 होते हैं। तो ध्यान रखना, डी के अंदर कितने कक्षक होते हैं? 5। और जो एफ होता है ना मेरे प्यारे साथियों, इसके अंदर होते हैं 10 कक्षक। कितने कक्षक? 10 कक्षक। तो सॉरी 7 कक्षक, ठीक है। कितने? 7। तो एस के अंदर एक कक्षक, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7 कक्षक। क्लियर हो गया? आगे सुनना है आपको, आगे जानना है। आगे बेटा आपको ये जानना है कि जो एस कक्षक होता है उसमें, सॉरी एस उपकोष होता है उसमें एक कक्षक होता है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि एक कक्षक में बेटा केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं। एक कक्षक में केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं? 2। तो एस के पास तो एक ही कक्षक होता है, तो एक ही कक्षक होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो सर ये और बता देते तो काम बन जाता कि भाई इलेक्ट्रॉन इसमें भराते कैसे हैं। तो भाई सुन लो, ये एक ऊपर की ओर भराता है, एक नीचे की ओर, है ना। आपको एक ऐसा डंडा करना है, इसमें ऐसा तीर सा लगा देना, ये इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ठीक है। एक ऊपर की ओर भराता है और एक नीचे की ओर भराता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं ऐसे। अब इसमें कितने कक्षक हैं? 3। तो 1 में 2, तो 3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 3 में टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 6। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे? 6। कैसे भराएंगे? तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे,
ठीक है, इसमें कितने कक्षक हैं, 5, तो बेटा इलेक्ट्रॉन कितने भराएंगे, 10 भराएंगे, कितने भराएंगे 10, एक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्लियर है। और F में कक्षक कितने हैं, 7, तो बेटा इलेक्ट्रॉन कितने भराएंगे, 10 भराएंगे, कितने भराएंगे 10 भराएंगे, इस बात को याद रखना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन टोटल मिला के कितने भरा जाएंगे पहले साथियों, सॉरी 7 है ना, तो 14 इलेक्ट्रॉन भराएंगे मेरे भाई, थोड़ी सी गलती हुई है, कोई दिक्कत नहीं, माफ कर दोगे मुझे पता है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे, 14। तो आप ये बताओ S में केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, 2, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं S पर आप 2 की घात लगा सकते हो। तो ध्यान रखना, कभी भी देखना S पर 2 की ही घात लगी होगी, इस 2 की घात का मतलब क्या होता है, S के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कभी भी आप देख लेना P के ऊपर 6 की घात ही लगी होगी, ये क्यों लगी होती है, क्योंकि P के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। D में देखना कभी भी 10 की घात लगी होगी, क्यों, क्योंकि D के पास अधिकतम 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो F होता है F के ऊपर 14 की घात लगी होगी, क्योंकि F के पास अधिकतम 14 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये घातों का मतलब समझ गए, इन घातों का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉन है। तो S में 2 घात क्यों लगी होती है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 की घात क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 की घात क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 की घात क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस बात को भी आप समझ गए होंगे, इस बात को रखना, आपको S कहीं भी मिल जाए उस पर 2 की घात ही लगाना है, क्योंकि उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही होते हैं। क्लियर हो गया मेरे साथियों, बिल्कुल ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, आपके दिमाग में जम गई होगी, ध्यान रखना इन बातों को, जल्दी से जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि अब हम आपबाहु नियम की ओर बढ़ रहे हैं, आपबाहु नियम को समझ रहे हैं। तो प्यारे साथियों, यहां पर आपको पहले आपबाहु जो नियम है इसकी हल्की सी थ्योरी बता देता हूं, थ्योरी समझा देता हूं। तो बेटा आपबाहु जो शब्द लिखा हुआ है ना, आपको दिख रहा है ना शब्द आपबाहु, तो जो आपबाहु शब्द लिखा हुआ बेटा, इस शब्द का मतलब होता है, एक देखो ये जो आपबाहु शब्द है, पहले तो सुन लो, ये जर्मन शब्द है, कहां का है, जर्मन, मतलब जर्मनी का शब्द है, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो, ये जर्मन शब्द है। अब सर इस शब्द का मतलब क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ है क्रमिक रचना करना, क्रम से रचना करना, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा, क्रमिक रचना करना, क्रम से रचना करना, क्रम से कैसे, क्रम से मतलब ऐसे कि आप छोटे से बड़े की ओर चले जाओ या बड़े से छोटे की ओर चले जाओ, ये क्रम से रचना होता है, ठीक है। तो आपबाहु एक जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक क्या अर्थ है, क्रमिक रचना, मतलब अगर इस नियम के अनुसार देखा जाए तो इस नियम के अनुसार कम ऊर्जा वाला कक्षक पहले भराएगा और अधिक ऊर्जा वाला कक्षक बाद में भराएगा, मतलब छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, कम ऊर्जा वाला पहले, फिर उससे ज्यादा वाला, उससे ज्यादा वाला, उससे ज्यादा वाला, ये है ए नियम, ठीक है। अब आपको ये तो मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कक्षक में होते हैं ना कक्षक में, ठीक है, इतना आप समझ गए। तो सर ये हम कैसे पता करेंगे कि कम ऊर्जा वाला कक्षक कौन सा है, ज्यादा ऊर्जा वाला कक्षक कौन सा है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जो आपबाहु नियम है इसमें बताया गया है कि कम ऊर्जा वाला कक्षक कौन सा है और ज्यादा ऊर्जा वाला कक्षक कौन सा है, टेंशन मत लो। तो हम आपबाहु जो नियम है इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये समझ गए तो सारा कुछ खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम समझेंगे सर, हाँ, तो आपको पता है कक्षाएं कितनी है बेटा, 7, तो देखो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 7 कक्षाएं बना के रखी है, ठीक है। अब मैंने पहली कक्षा में एक गोला बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि भाई आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो पहली कक्षा है, पहली कक्षा में केवल और केवल एक उपकोष होता है जिसका नाम है एस उपकोष। एस अच्छे से नहीं दिख रहा क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, तो ये बना दिया, ठीक है। तो पहली कक्षा में केवल और केवल एक ही उपकोष होता है, ध्यान रखना, आपसे कोई पूछ ले पहली कक्षा में कितने उपकोष, बोल देना एक, इसका नाम क्या है, एस, ठीक है। अब ये पहली कक्षा का है इसलिए इसको 1s बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, 1s। तो ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा है सर, दूसरी कक्षा में कौन होगा, तो भाई दूसरी कक्षा में एक s भी होगा और एक p भी होगा। तो आपसे कोई पूछे कि सर दूसरी कक्षा में d है, तो कह देना नहीं, केवल s है और केवल क्या है, p। अब ये दूसरी कक्षा का है तो ये 2s, दूसरी कक्षा का है इसलिए 2p, ठीक है। अब पहला तो s ही होगा, फिर दूसरा p होगा, तीसरा होगा d, ठीक है। तो ये तीसरी का है तो तीसरा s, ये 3p और ये 3d, बोलो बात समझ में आई, मैं आपके सामने इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको बनाना आ जाए, ठीक है। ये चौथी कक्षा है तो पहला तो s,
ठीक है, पहला क्या होगा एस, फिर आपका आएगा पी, फिर आपका आएगा डी और फिर आपका आएगा एफ, मतलब चौथी कक्षा से एस पी डी एफ स्टार्ट हो जाते हैं तो अंत तक चलते हैं। ठीक है, चलो ये चौथी कक्षा क्या है, तो 4s, 4p, 4d और ये रहा 4f, ये पांचवी का है तो ये आपका आ जाएगा 5s, ठीक है 5p, ठीक है और 5d, एफ भी होता है मैंने नहीं बनाया। ठीक है, चलो छठवी कक्षा का है तो 6s और ये 6p, ये सातवीं कक्षा का है तो 7s हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 7s हो जाएगा। बाकी इनको और भी बना सकते क्योंकि यहाँ से डी एफ स्टार्ट होता है तो अंत तक चलता है, मैंने नहीं बनाया डेकोरेशन के हिसाब से। अब सर ये तो समझ गए, ये तो समझ गए कि सर पहली कक्षा के पास क्या होता है, दूसरी के पास क्या, तीसरे के पास, ये तो समझ गए। अब सर आगे हमें बताएंगे, बिल्कुल आगे हम आपको बताएंगे। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भराए जाते हैं वो सीखना। देखो इधर आपको ध्यान से सुनना बेटा, पहले आपको देखो यहाँ से लाइन चलती है, कहाँ से चलती है लाइन बेटा, यहाँ से चलती है। तो पहली कक्षा में बेटा पहले हम सबसे पहले किसको भरेंगे, एस को भरेंगे। किसको भरेंगे बेटा, एस को। अब एस को भरेंगे, पहले हम एस को भरेंगे, ऐसे चल रहा है ना। और एस को देखो, अब एस में कौन सा आया पहले, वन एस आया, तो सबसे पहले बेटा हम किसको भरते हैं, वन एस को। और वन एस को भर के हम क्या करेंगे बेटा, लौट आएंगे। हम क्या करेंगे, लौट आएंगे। और लौट के क्या करेंगे सर, लौट के फिर अपन क्या करेंगे बेटा, 2s को भरेंगे। किसको भरेंगे, 2s को भरेंगे। तो देखो 1s को भर दिया, इधर से हम वापस हो गए, यहाँ से वापस हो गए। ठीक है, फिर हमने यहाँ बेटा किसको भरा, हमने यहाँ पर भरा 2s को, 2s ही रास्ता में मिला। ठीक है, और यहाँ से हमारा रास्ता हो गया खत्म। तो हमने क्या किया, फिर से हम वापस लौट गए बेटा, फिर से हम वापस लौट गए। और फिर से हम लौटे तो फिर हमने यहाँ पर देखा कि हमें क्या मिला बेटा, 2p मिला। क्या मिला, 2p मिला। 2p को भरा और 2p को भर के 3s को भरा और 3s को भर के बेटा हम वापस लौट आएंगे। क्या हो गया, वापस लौट आएंगे। और वापस लौट के फिर हम यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे तो हमें कौन मिलेगा बेटा, 3p मिलेगा। कौन मिलेगा, 3p मिलेगा। तो 3p को भरेंगे और 3p को भरने के बाद 4s को भरेंगे। किसको भरेंगे, 4s को। तो रास्ता खत्म है इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, वापस लौटेंगे। और वापस लौट के अब हम किसको भरेंगे, 3d को। देखो मैं ऐसे चल रहा हूं, ऐसे 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 चल रहा हूं ना, तो आपको ये ध्यान रखना, ये क्रम, ये डायग्राम का जो एरो वाला साइन है ये बहुत अच्छे से याद रखना। यहां से हम लौट रहे हैं, यहाँ से लौट रहा है, यहाँ से भर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ गए और फिर यहाँ गए। आपके सामने मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बनाना आ जाए, बनना मैं आपको बना कर भी यहाँ दिखा सकता था। ठीक है, तो आपके सामने क्यों बना रहा हूँ, ताकि आप बनाना सीख जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यहाँ तक रास्ता खत्म और फिर रास्ता खत्म है तो वापिस लौट आएंगे और वापिस लौटेंगे तो फिर भरेंगे इसको। ठीक है, इसको, इसको और फिर इसको, और अंत में अब आप कोई नहीं बचा तो यहाँ पर आपका ये खत्म हो जाएगा। क्या बात आपको बेटा सब जम गई है, क्या बात आपको बेटा समझ आ गई है पूरी, बिल्कुल आ गई होगी। आपको इन एरो के साथ ही चलना है, जिस टाइप से जो एरो दिख रहे हैं ना ऐसे ही चलना है। ठीक है, खाली जगह से लौटना है, यहाँ से चलना है, खाली जगह से लौटना है, यहाँ से चलना है। तो आप हमें ये बताइए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हमने किसको भरा, आप बताओ सबसे पहले आपने किसको भरा। तो सबसे पहले सर आपको मिला था 1s, तो आपने 1s को भरा। तो बेटा 1s में घात कितने की लगेगी, तो आप बोलोगे सर s में तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, s में तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए s में आपको 2 की घात लगेगी। s कोई सा भी हो, चाहे पहले का, चाहे दूसरे का, चाहे तीसरे का, कोई सा भी हो, s में 2 की ही घात लगेगी, क्योंकि s में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भराते हैं, p में 6 की घात। ठीक है, तो 1s को भर दिया, यहां से लौट आए, फिर हमने किसको भरा सर, 2s को भरा आपने। फिर तो बिल्कुल यार, फिर आपको 2s को ही भरना है। फिर यहां से लौटे, फिर आपने सर 2p को भरा, हाँ 2p को ही भरेंगे, 2p को भरेंगे। और p में 6 की घात क्यों लगा दी सर, हाँ p में 6 की घात क्यों लगा दी, क्योंकि p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बेटा कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, 2p भर दिया, फिर कौन आएगा सर, 3s रास्ते में मिला, तो हमने भर दिया 3s। s पे कितने की घात, 2 की घात, कोई सा भी s हो 2 की घात लगेगी। ठीक है, लौट आओ, फिर आप किसको भरोगे, 3p और 4s। तो पहले आप 3p को भरोगे, 3p, p में कितने की घात, 6 की। ठीक है,
फिर आप भरोगे 4s में कितने की खाद, दो की, क्योंकि s कोई सा भी हो दो की खाद, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ, मिला आपको कौन 3d, मिला कौन मिला बेटा 3d मिला, तो 3d पे सर कितने की खाद लगाए, तो भाई पूछने की जरूरत है, d में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 है, तो आप 10 की खाद लगाओगे ना, ठीक है। 3d के बाद कौन मिलेगा बेटा आपको, 3d के बाद मिलेगा आपको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ठीक है, 3d के बाद, सॉरी ये 3d के बाद कौन मिलेगा 4p, तो ये 4p की घात 6, क्योंकि p पे घात 6, ये आपका 5s, s पे कितने की घात 2 की, ठीक है। फिर आपका कौन आया 4d, तो 4d की घात कितनी बेटा, 4d की घात 10, ठीक है। 5p, p की घात 6, ठीक है। 6s, 6s, s की घात 2, ठीक है। फिर आपका क्या आ गया बेटा 4f, f पे कितने की घात सर 14 की, क्योंकि f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आपका यहाँ जगह नहीं है इसलिए 5d, 10। फिर 6p, कितने भाई 6p में कितने इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे साथियों, 6p में कितने इलेक्ट्रॉन 6, और फिर आपका ये 7s2, ये खत्म है। तो ये आपका ऊर्जा का क्रम है इलेक्ट्रॉन में भरने का, तो आपको इसी क्रम से भरना है, सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, यही क्रम में भरना। अगर ये क्रम बिगड़ा तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम भी आपका बिगड़ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे, मेरे डियर, मेरे लाडले साथियों, इसको आपको नहीं छोड़ना है, आपको सबसे पहले 1s, फिर 2s, 2p, फिर 3s, यही क्रम आपको भरना है, और कम से कम आपको 30 तक का क्रम याद होना चाहिए ऑरली, आप बार बार इसको नहीं देखो, 30 तक का ये क्रम याद रख लेना कि भाई 30 तक कैसे इलेक्ट्रॉन भराते हैं। बोलो बात समझ में आ गई, इतना आपको बहुत अच्छे से जम गई, बिल्कुल। अब हम आगे बनाते हैं और आपको इलेक्ट्रॉन भरना सिखाते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आइए साथियों, अब हम अब जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन है इनको भरना सीखते हैं इसी के अनुसार, तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक भरा जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसको ध्यान से समझिए मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल, जैसे मेरे प्यारे साथियों हमारे पास है हाइड्रोजन, आपसे बोला है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की संख्या। मैंने आपको ट्रिक से 1 से 30 तक का परमाणु क्रमांक याद करवाया था, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उससे आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होता है वही तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 1, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1, मतलब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अकॉर्डिंग होता। तो सबसे पहले आप किसको भरते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो इसके इलेक्ट्रॉनों को भरोगे, तो सबसे पहले किसको भरोगे 1s को। तो आप देखो इस 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने भर दिया 1s2, आपने भर दिया 1s2। मैंने बोला कि ये गलत है, मैंने बोला कि गलत है, आप लोग इसे क्यों गलत है, 1 में तो सॉरी s में तो 2 ही होते हैं, 1s में तो 2 ही होते हैं, तो हमने 2 भर के क्या गलत किया। हां बेटा गलत किया है, वो क्या गलत किया, ये गलत ये किया है बेटा कि s के पास देखो आप 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है 1, लेकिन आपने कितने भरे 2 भरे ना, 1 होता है, आपने 2 भर दिए, ना इंसाफी नहीं है, है ना, है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें आप 1 ही भरोगे, आप 1 लिखोगे। तो सर लेकिन आपने बोला था सर s में 2 भराते हैं, हां भराते हैं 2, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं 2, 2 से ज्यादा नहीं भराएंगे, लेकिन 2 से कम भरा सकते हैं। जैसे मान के चलो किसी परमाणु के पास है नहीं, तो वो क्या करेगा, जैसे हाइड्रोजन बेचारा, इसके पास तो 1 ही था, तो आप 2 कैसे भर सकते हो, 1 ही भरोगे ना, हाँ ऐसे भरेंगे, समझ गए, बिल्कुल आगे समझो, टेंशन मत लो, आराम से समझो, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब Li, तो Li का परमाणु क्रमांक 3 है, Li का परमाणु क्रमांक 3 है, तो भरो सर, बिल्कुल हम बिल्कुल भरेंगे, आप टेंशन मत लो, सुनो आपस, सबसे पहले कौन भराएगा 1s, कौन भराएगा 1s, तो हम अभी तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है, तो मैंने भर दिया 1s2, क्या मुझे भरने में तकलीफ है, नहीं, क्या मैं इसमें अब 1 इलेक्ट्रॉन भरूंगा, नहीं, क्योंकि मेरे पास तो अभी 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3 है तो 2 भर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भरा गए, ठीक है। क्या इसमें 3 भर सकते हैं, नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम चल जाएंगे, ज्यादा नहीं, तो 1s2 है ना। क्या और इलेक्ट्रॉन बचे हैं, हाँ सर 3 है, 2 भरा गए, 1 और बचा है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन किसमें भराएगा, तो 1s के बाद कौन आता है 2s, तो ये भराएगा फिर
2s। अब 2s में सर दो इलेक्ट्रॉन भराते हैं क्या, दो ही भर दें? नहीं, आपके पास कितने बचे हैं? एक बचा है ना आपके पास, तो आप एक ही भरोगे ना। दो इसमें भर दिए, एक इसमें भर दिए, तीन खत्म। क्लियर? ठीक है, आ जाओ Mg। अब Mg का परमाणु क्रमांक 12, मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं Mg के पास? 12 होते हैं। अब हमें 12 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो भरो क्रम से। तो सबसे पहले प्यारे साथियों किसको भरोगे? सबसे पहले आप किसको भरोगे? 1s2, क्योंकि 1s2। फिर 2s2, तो बिल्कुल 2s2। कितने भरा गए? दो इसमें चार भरा गए, टोटल 12 हैं। फिर 2s के बाद कौन भराएगा सर? 2p भराता है। तो भाई p में तो 6 होते हैं, क्या 6 भर जाएंगे? हाँ भर जाएंगे, क्योंकि आपके पास 12 है ना, तो 2 और 2 4 और 6 10 ही हुए हैं। अब 2p के बाद कौन भराएगा? तो 2p के बाद भराएगा 3s। कौन भराएगा? 3s। तो 3s में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर दो? 2 4 6 10, तो 2 12, दो भराते हैं ना, तो बिल्कुल 2 ही भरा जाएंगे। ठीक है, आप टोटल गिन लो, 12 हो गए, 2 4 6 10 और 2 12। क्लियर है? ठीक है, अब कैल्शियम। तो कैल्शियम का सर 20 होता है, कितना होता है? 20। क्या 20 इलेक्ट्रॉनों को भरना कठिन है? नहीं, भरो ना क्रम से। ये क्रम होगा, सबसे पहले 1s2, थोड़ा सा फास्ट कर दूं, 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6। आप काउंट कर लो पहले कितने भर दिए, 2 4 6 10, 2 12 और 6 18। 18 भर दिए, आपको भरने कितने हैं? 20। तो 3p के बाद, देखो क्रम से चल रहा है, 3p के बाद कौन आएगा? 4s। तो ये हमने भर दिया 4s2। कोई तकलीफ है बेटा? कोई परेशानी है? ना होगी। ठीक है, अब यहाँ देख लो परमाणु क्रमांक 8 है O का, भरो 8 इलेक्ट्रॉन इसके। ठीक है, तो 1s2 2p6, कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 8 हैं, तो पहले 2 और फिर 6। कोई परेशानी है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम का बेटा कितना होता है? 13। भरो इलेक्ट्रॉन, तो भाई भर दिए 1s2 2s2 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन भरा गए? 2 4 और कितने, सॉरी 1s2 2s2 2p6, 2 4 6 10 हो गए। हाँ सर 10 हो गए, अब किस में भरें? तो भाई 2p के बाद कौन भराएगा? 3s। तो 3s में कितने भराएंगे? 2 है ना, तो 10 और 2 12, लेकिन 13 इलेक्ट्रॉन है, एक और भरना है ना। तो 3s के बाद कौन आएगा? 3p आएगा। कौन आएगा? 3p आएगा। तो 3p में तो सर 6 इलेक्ट्रॉन भराते हैं, क्या 6 ही भरते हैं? नहीं 6 नहीं, आपके पास कितने बचे हैं? 10। 12 भर दिए, एक बचा है ना, तो आप एक ही भरोगे। भराते अधिकतम 6 है, लेकिन आपके पास नहीं बचे, तो आप तो एक ही भरोगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार यार प्लीज मेरे भाई दिल से वीडियो को लाइक कर दो यार, दिल से लाइक कर दो, मेहनत पे लाइक तो करोगे यार, लाइक कर दो, और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करो। और ये हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी खत्म नहीं किया, आप ऊब गए हो, आप कहते हैं सर लंबी लंबी वीडियो देती हो, इसलिए हम इस वीडियो को अभी खत्म कर रहे हैं, और इसका एक वीडियो आपको कल मिलेगा एक वीडियो। ध्यान रखना, उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में हम बड़े-बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, बहुत ज्यादा बड़े-बड़े, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, कल आप जुड़ना ना भूलिए, कल की वीडियो बिल्कुल यार भूलना मत। और इसके मैं आपको अंत में, या फिर जो आई बटन है इस पे आपको इसका लिंक आ रहा होगा, आप यहां देख सकते हो। ठीक है, बाय बाय।